हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही इजी एंड सिंपल डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए, बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए, इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, फ्रॉक, जेंट्स जैकेट, लेडीज जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए, ये डिजाइन सिर्फ 14 रोज का डिजाइन है। आपको 14 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 14 रो तक ही। देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 10+2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 10+2। देखिए, रॉन्ग साइड पे से दिखता है। यहाँ पर आपको देखिए, रो वन आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। रो वन आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 10 2 टाइम्स 10 20+2 एज स्टिच करके टोटल 22 फंदा डाला है। देखिए, रो वन स्टार्ट करना है रॉन्ग साइड से। देखिए, यहाँ पर मैं दो डिजाइन बना के दिखाऊंगी। देखिए, रो वन स्टार्ट करना है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड अब आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड पे लास्ट के एज स्टिच आपको उल्टा बुनना है। अब देखिए, रो टू राइट साइड। अब यहाँ पर आपको देखिए, रो टू राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए, अब यहाँ पर आपको रो टू भी आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है पूरी रो। रो टू सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। रो थ्री रॉन्ग साइड। रो थ्री आपको राइट रॉन्ग साइड सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। एक फंदा स्लिप करना है धागा पीछे करके, अब सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए, रो थ्री कंप्लीट कर लिया है। रो फोर राइट साइड। अब आपको रो फोर पर सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। रो फोर देखिए सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, रो फाइव रॉन्ग साइड। अब आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए, रो फाइव कंप्लीट कर लिया है सब उल्टा बुन के। अब देखिए, रो सिक्स राइट साइड। रो सिक्स पर देखिए ध्यान से, एज स्टिच आपको स्लिप करना है। फिर देखिए, अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में देखिए, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुनने के बाद अब यहाँ पर आपको देखिए बबल बनाना है। दो बार दो बबल बनाना है। देखिए कैसे, सेकेंड एंड थर्ड बीज में से आपको देखिए यहाँ से एक फंदा ऐसे ड्रॉ करना है। फिर इसको इसे लेफ्ट मीटर पे लेकर अब धागा आगे करके ये ड्रॉ किया फंदा और इस एक फंदा को दो का एक करना है उल्टे के साइड से। फिर इस एक फंदा उल्टा बुनना है। देखिए, यहाँ पर बबल हुआ है, फिर से एक बार करना है, दो बबल बनाना है। धागा पीछे, सेकेंड एंड थर्ड बीज में से आपको एक फंदा से ड्रॉ करना है। फिर इसको लेफ्ट मिरर पे लेकर धागा आगे करके दो का एक करना है पहले, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है। अब देखिए, धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा बुनना है, एक
2, 3। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। अब आपको रिपीट देखिए एक करना है, 3 फंदा सीधा, 2 बबल बनाना है, 3 फंदा सीधा, फिर से करते जाना है, फिर से रिपीट, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। अब देखिए बबल बनाना है, 2, फिर से एक बबल बनाना है, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट के एज स्टेज आपको सीधा बुनना है। अब देखिए रो 7 रॉन्ग साइड, अब आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो 7 रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब देखिए रो 8 राइट साइड, एज स्टेज स्लिप करना है। अब देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न, अब देखिए 2 फंदा सीधा बुनना है पहले, 1, 2। अब यहाँ पर अभी आपको एक बबल बनाना है, देखिए सेकेंड एंड थर्ड बेस में से आपको 1 फंदा ड्रा करना है, फिर 1 फंदा इससे लेकर पहले आपको 2 का एक करना है, फिर 1 फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करके बीच में आपको 2 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2। फिर से आपको यहाँ पर भी बबल बनाना है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच से आपको 1 फंदा ड्रा करना है, फिर धागा आगे करके 2 का एक करना है, फिर 1 फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे, 2 फंदा लास्ट में सीधा, 1, 2। देखिए अब आपको ये रिपीट करना है, स्लिप फंदे को छोड़कर 2 फंदा सीधा बबल बनाना है, 2 फंदा सीधा बबल बनाना है, 2 फंदा सीधा। अब आपको ये करते जाना है, फिर से देखिए 2 फंदा सीधा, 1, 2। देखिए फिर बबल बनाना है इसे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदा बीच में सीधा, 1, 2। फिर से बबल बनाना है, फिर 1 फंदा सीधा, लास्ट में भी 2 फंदा सीधा, 1, 2। देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, फिर लास्ट में एज स्टिच बचेगा, सीधा बुनना है। अब देखिए रो 9 रॉन्ग साइज सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रो 9 कंप्लीट कर लिया है, रो 10 राइट साइड, एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न, फर्स्ट में देखिए 1 फंदा सीधा बुनना है, फिर देखिए बबल बनाना है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच से आपको 1 फंदा ड्रा करना है, फिर धागा आगे करके पहले 2 का एक करना है उल्टे की साइड से, फिर 1 फंदा उल्टा बनना है करना है, आपको इससे बबल बनाना है, फिर धागा पीछे करके बीच में 4 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2, 3, 4। अब फिर से बबल बनाना है एक बार, देखिए फिर 2 का एक करना है, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, लास्ट में 1 फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर 1 फंदा सीधा बबल बनाना है, 4 फंदा सीधा बबल बनाना है, 1 फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, फिर से करना है, देखिए 1 फंदा सीधा बबल बनाना है, बीच में 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3,
अच्छा फिर बबल बनाना है फिर से। फिर एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट का स्टेज आपको सीधा बुनना है। अब देखिए रो 11 रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो 11 कंप्लीट कर लिया है, रो 12 राइट साइड एज स्टेज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, अब ऐसे फर्स्ट में ही आपको बबल बनाना है। देखिए फिर धागा पीछे करके बीच में आपको 6 फंदा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 अब फिर से बबल बनाना है। देखिए अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए स्लिप फंदे को छोड़कर बबल बनाना है, 6 फंदा सीधा बबल बनाना है। अब आपको ये रिपीट करते जाना है। देखिए फिर से रिपीट से बबल बनाना है। फिर बीच में 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 फिर से लास्ट में भी एक बबल। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट के एज स्टेज आपको सीधा बनना है। अब देखिए रो 13 रॉन्ग साइड उल्टा बुन के सब कंप्लीट करना है। रो 13 सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, रो 14 रॉन्ग साइड सब सीधा बुन के अब कंप्लीट करना है। देखिए रो 14 राइट साइड कंप्लीट कर लिया है सब सीधा बुन के। देखिए रो 14 में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको 1 से 14 रो तक ही रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए रॉन्ग साइड से रो 1 स्टार्ट करना है। देखिए देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।